आखिरकार वो पर्दा उठ ही गया जिसका इंतजार काफी समय से देश की जनता कर रही थी। जी हाँ, आखिर अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों पहुंचे और प्रियंका गांधी क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं? इसलिए सीट राहुल गांधी ने ये चुनी है। अब अमेठी की जनता उन्हें माफ कर पाती है नहीं और केएल शर्मा को कितना प्यार दे पाती है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार वो पर्दा उठ ही गया जिसका इंतजार काफी समय से देश की जनता कर रही थी। जी हाँ, अमेठी रायबरेली की सीट पर से पर्दा कि कांग्रेस किसको मैदान में उतारेगी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और अमेठी से उतारा गया है एक ऐसे चेहरे को जो सालों सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अब स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राहुल पर हमलावर हैं। तो एट नाइन में आज जानेंगे कि आखिर अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों पहुंचे और प्रियंका गांधी क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर किस तरह से निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन निशाना जरूर साधा है। पश्चिम बंगाल में के वर्धमान में वो पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर वो कहते हैं कि शहजादे को मालूम है कि वो वायनाड से भी हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग घूम घूम कर कहते हैं कि डरो मत, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो डरे नहीं भागे नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, हार के डर से मतदान समाप्त होते ही वो दूसरी सीट ढूंढने लग जाएंगे। पहले वो अमेठी से डर कर भाग गए और अब रायबरेली में रास्ता खोज लिया। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया है। राहुल केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। वायनाड वो सीट है जो 2019 में भी राहुल गांधी ने जीती थी, हालांकि अमेठी में वो हार गए थे। डरो मत भागो मत, राहुल पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब ना ओपिनियन पोल की जरूरत है और ना ही एग्जिट पोल की। मैंने पहले ही संसद में कहा था कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो भागकर राजस्थान में राज्यसभा जाएंगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से मतदान समाप्त होते ही दूसरी सीट ढूंढने लग जाएंगे। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी ने यही कहूंगा कि डरो मत भागो मत। पीएम आगे कहते हैं कि मुझे देश ने और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता। लेकिन कई राजनीतिक विशेषक ऐसे हैं, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी के बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी रैली पूरी नहीं हो सकती है, कोई भी जनसभा पूरी नहीं हो सकती है। और आप जितने भी चुनावी भाषण उठाकर देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर जरूर आए हैं, राहुल गांधी पर हमलावर जरूर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वरूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसा रही है और लगातार बरसाएगी, सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है भला। उन्होंने कहा कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। मैं तो आपकी सेवा का संकल्प लेकर महान भारत माता की 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए कर रहा हूँ। मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर जी रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास है क्या, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, ना ही मुझे किसी के नाम से कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो भारत ही परिवार है, मेरा वारिस देश के परिवार के बच्चे वारिस है, मेरा अपना कोई वारिस है नहीं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में खत्म की गई गरीबी की जानकारी भी जनता को दी है, क्योंकि महंगाई और गरीबी को लेकर लगातार इस चुनाव में आवाज उठ रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं गरीबी देखता हूं, आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट और बढ़ जाती है, क्योंकि सब देखता हूं तो मुझे अपने जीवन के दिन याद आ जाते हैं। मेरा भारत अब गरीबी का जीवन नहीं जिएगा। 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी से निकले हैं, गरीबी से निकला हूं, डरना मेरी डिक्शनरी में है नहीं। टीएमसी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भले ही टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले कहते रहे कि मोदी को गोली मार दो, लेकिन मैं भी डरने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि नामदार समझ लें कि कामदार कभी नहीं डरता। मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना मेरी डिक्शनरी में है नहीं। जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां दोगे, उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान तमाम बातें रखी हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं सच तो ये भी है कि बिना गांधी परिवार का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी रैली पूरी नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 10 साल से एनडीए की सरकार है, आप 10 साल के कामकाज पे बात ना करके आप सिर्फ और सिर्फ हर रैली में कांग्रेस परिवार और कांग्रेस में गांधी परिवार को कोसने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे थे, क्योंकि दो सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी और आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो गांधी परिवार की गढ़ रही दो सीटें रायबरेली अमेठी में उम्मीदवारों के नामों का तय हो गया। अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रायबरेली भी सीट परंपरागत सीट ही है कांग्रेस की, क्योंकि सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती आई हैं। जबकि अमेठी में गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। इन सबके बीच, क्योंकि प्रियंका गांधी का जिक्र मैंने पहले ही किया था, तो प्रियंका गांधी को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुना है। कांग्रेस समर्थक इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसका आधार क्या है। क्या कांग्रेस ने अमेठी में वॉकओवर दे दिया? दरअसल अमेठी में बीजेपी पहले ही अपना प्रत्याशी स्मृति ईरानी को घोषित कर चुकी है। स्मृति ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को करीब 50,000 वोटों से हराया था। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की हार तो थी ही। राहुल गांधी मेहनत करते तो इस बार वो इस अंतर को पार कर सकते थे। अमेठी की जनता इस बार हो सकता है कि उन्हें सिराखों पर बैठा लेती। सारा खेल भरोसे का ही होता है। राहुल गांधी को अमेठी की जनता पर भरोसा करना चाहिए था। वैसे भी सिटिंग एमपी से थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती ही है और हारे हुए प्रत्याशी के साथ हमेशा सहानुभूति होती है। अगर इस फॉर्मूले को माने तो राहुल गांधी इस बार अमेठी से जीत जाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला कांग्रेस ने जल्दबाजी में ले लिया और सही नहीं है? देखिए रायबरेली की सीट खराब क्यों कर रहे हैं, ऐसे सवाल भी बहुत लोग उठा रहे हैं। रायबरेली और वायनाड दोनों जीतेंगे तो एक सीट खाली करनी ही पड़ेगी राहुल गांधी को। केरल में अगला विधानसभा अच्छे से जीतने का मौका है कांग्रेस के पास। अब ऐसे में वायनाड खाली करना गलत होगा और रायबरेली खाली करना और भी गलत हो जाएगा। बेहतर होता प्रियंका को रायबरेली से लड़ाते। ये मास्टर स्ट्रोक अपनी छोटी समझ में तो नहीं आया? इस तरह की बातें लगातार उठ रही हैं। लेकिन अगर परसेप्शन की बात करें तो हो सकता है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी को सेफ लग रही हो, कारण कि पिछली बार भी सोनिया गांधी ने सीट 1.5 लाख से ज्यादा अंतर से जीती थी। बिल्कुल हाँ, जो अभी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए हैं दिनेश सिंह, उनको हराया था 1.5 लाख के अंतर से। पर चुनावी गणित हार के बाद के चुनाव में बदल जाया करती है। इस बार बहुजन समाज पार्टी का समर्थन रायबरेली में कांग्रेस को नहीं मिल रहा। करीब 34% के करीब दलित आबादी वाली सीट पर बीएसपी को कम से कम इतने वोटों की उम्मीद की जा सकती है जितने वोट से सोनिया ने पिछली बार चुनाव जीता था। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट जीत जाए, लेकिन हार जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहना बिल्कुल सही लग रहा है कि अमेठी से रायबरेली आने की वजह सेफ सीट हो सकती है। लेकिन देखिए जनता है, किसी को भी वोट कर सकती है। सोनिया गांधी तो जीतती आई है, क्या पता उनके बेटे को भी उतना ही आशीर्वाद मिले। इसके साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए आम लोगों में बनने वाले परसेप्शन भी अलग अलग हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सेफ सीट तलाशने की कवायद सियासी संदेश के लिहाज से ठीक नहीं दिखती। लड़ना दिखाना जरूरी होता है। 77 की करारी हार के बावजूद ठर में आजमगढ़ में मोसीना को उपचुनाव लड़ा और जीत कर इंदिरा गांधी ने फिजा बदल दी थी। देखिए राहुल गांधी की हार अमेठी में हुई थी। राहुल को अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागना कहीं से भी सही नहीं दिख रहा। हो सकता है कि अमेठी में हार जाते पर पीठ दिखाने को जनता कभी याद नहीं रखती है। लड़ते लड़ते शहीद होने की भी पीठ दिखाने वाले के मुकाबले ज्यादा सम्मान का हकदार होता है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी 2019 के बाद से अमेठी से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि अमेठी को वो अपना परिवार मानते रहे हैं। 1976 में संजय गांधी ने खैरौना में युवक कांग्रेस का एक महीने का श्रमदान शिविर लगाया। हालांकि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की आंधी में अमेठी से संजय गांधी को हार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1980 में फिर चुनाव लड़ा, जीत दर्ज करके वापसी दर्ज की। राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 जीत के बाद भी एक हार ने उनका दिल तोड़ दिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? राजनीति के तहत रायबरेली जाने की बात कितनी सही है? कुछ समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी की अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे मजबूत रणनीति का उदाहरण है। क्या उदाहरण हो सकता है? वो तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा। 2024 का चुनाव माहौल जो है वो पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आता है। कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो चुनावी माहौल राहुल बनाम ईरानी हो जाता। इसके साथ ही अगर स्मृति ईरानी दूसरी बार राहुल गांधी को चुनाव में हराती तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर धरातल पर आ जाता।
रायबरेली से अगर वो हार जाते हैं तो भी ये प्रसिप्शन नहीं बनेगा कि राहुल की राजनीति खत्म हो गई है। राहुल गांधी के रायबरेली से उतरने का एक पहलू ये भी है कि उन पर प्रदेश छोड़कर भागने का आरोप ना लग सके, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अमेठी के मुकाबले रायबरेली राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है। गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने का जो यूपी में कांग्रेस उठाना चाहती थी वो रायबरेली से भी उतना ही मिलती नजर आती है। क्या राजनीतिक विरासत के चलते रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए रायबरेली की विरासत वरीयता दी, दरअसल गांधी परिवार का रायबरेली से चार पीढ़ियों का नाता रहा है, जबकि अमेठी से रिश्ता 1977 से जुड़ा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की माने तो राहुल गांधी का रायबरेली से इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि यहां से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और सोनिया गांधी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो सीट 1957 के आम चुनाव में अस्तित्व में आई। रायबरेली सीट के अस्तित्व में आने के बाद फिरोज गांधी ने दूसरे आम चुनाव में सीट का रुख कर लिया और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इस सीट से चुनाव उपचुनाव मिलाकर कुल 16 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार विजय बने हैं। रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार का नाता पुराना है। इस सीट का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोनिया गांधी संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए सेफ साइड राहुल गांधी ने यह चुनी है। अब अमेठी की जनता उन्हें माफ कर पाती है नहीं, और केएल शर्मा को कितना प्यार दे पाती है इस बात का इंतजार 4 जून तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि रायबरेली और अमेठी में क्या कांग्रेस ने अपनी थाक जमा ली है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।